Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. TIFR की तरफ से ली जाने वाली Wildlife Biology and Conservation इस विषय में Masters करने के लिए एग्जाम होती है. इस साल दिसंबर में ये एग्जाम होगी. इस एग्जाम के लिए आजकल हम प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो आइए आज सॉल्व करते हैं लास्ट टाइम के पेपर से लिया हुआ एक क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स एक्सपेक्टेड पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक्सपेक्टेड माइग्रेशन, एनिमल्स का एक्सपेक्टेड माइग्रेशन क्या हो सकता है. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, देखो, फ्रॉम लोअर टू हायर एलिवेशन फॉर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम शैलोअर टू डीपर डेप्थ्स फॉर मराइन ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम लोअर टू हायर लैटिट्यूड्स फॉर मराइन एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. दूसरा ऑप्शन है, देखो, फ्रॉम लोअर टू हायर एलिवेशंस फॉर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम शैलोअर टू डीपर डेप्थ्स फॉर मराइन ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम सदर्न टू नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स फॉर मराइन एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम लोअर टू हायर एलिवेशन फॉर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. थर्ड ऑप्शन कह रहा है, फ्रॉम डीपर टू शैलोअर डेप्थ्स फॉर मराइन ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम लोअर टू हायर लैटिट्यूड्स फॉर मराइन एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. और देखो, चौथा ऑप्शन जो है वो कह रहा है, फ्रॉम हायर टू लोअर एलिवेशन फॉर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम शैलोअर टू डीपर डेप्थ्स फॉर मराइन ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम लोअर टू हायर लैटिट्यूड्स फॉर मराइन एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. इतना सारा पढ़ने के बाद ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं और देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म कहाँ पर जाना पसंद करेंगे. तो देखो, पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं. अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फियर है, गैसेस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, CH4, मीथेन, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जाने जाते हैं. सनलाइट से जो सोलार रेडिएशन आती है अर्थ पर, वो री रेडिएट होकर वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है. अब इसमें ज़्यादा हीट जो होती है वो इन गैसेस के बीच की जगह से बाहर निकल जाती है, और जो हीट यहाँ बचती है उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बना रहता है. अर्थ का टेम्परेचर इस तरीके से बना रहने की वजह से हम यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं. अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते तो अर्थ का टेम्परेचर जो अभी अपने रहने के लिए अच्छा है, करीब 20 to 35 डिग्रीज के बीच में रहता है, तो ये टेम्परेचर ऐसा नहीं रहा होता. तो ये है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग के केस में होता क्या है कि हमारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और N2O का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है. नाउ दीज गैसेस आर इन मोर कॉन्सेंट्रेशन, मोर ग्रीन हाउस गैसेस आर प्रेजेंट. अब जो रेडिएशन सनलाइट से आती है, सोलार रेडिएशन जो अर्थ पर आती है, वो हमेशा की तरह वो री रेडिएट हो जाती है, मगर अब ये गैसेस की परत यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक होने की वजह से ये अभी री रेडिएटेड हीट यहाँ से एस्केप नहीं हो पाती, एरोगेटिंग यहाँ से बाहर नहीं जा पाती, और बाहर नहीं जा पाती तो यहाँ का टेम्परेचर ये बढ़ाती रहती है. दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द पोल्यूशन. ठीक है, तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग, और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है. अब क्वेश्चन में हमें पूछा है, ऐसी कंडीशन में एनिमल्स कहाँ से कहाँ माइग्रेट करना पसंद करेंगे.
तो देखो उसमें एक ऑप्शन है फ्रॉम लोअर टू हायर एलिवेशन फॉर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पर एलिवेशन की जो इमेज है इसमें देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये तो सी लेवल है, इससे ऊपर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. फिर हम एलिवेशन ऊपर ऊपर जैसे करते जाएंगे तब यहाँ पर पोलार रीजन आ जाएगा. तो पोलार रीजन पर हवा ठंडी रहेगी. तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो लोअर टू हायर एलिवेशन जाना पसंद करेंगे. ठीक है, ये हो गई एलिवेशन की बात. दूसरी बात की है लैटिट्यूड्स के बारे में. तो लैटिट्यूड्स को समझने के लिए देखो ये जो ऐसी लाइन होती है इमेजिनरी लाइन्स उसे लैटिट्यूड कहते हैं. इक्वेटर इसके बीच में है और साइड में लो लैटिट्यूड, मिडिल और हाई लैटिट्यूड, इसे दोनों तरफ से हम कंसिडर करते हैं. अब स्टेटमेंट है कि फ्रॉम लोअर टू हायर लैटिट्यूड फॉर मराइन एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. तो ये स्टेटमेंट भी सही रहेगा क्योंकि यहाँ भी हम देखें तो ये दोनों तरफ जाने पर हवा हमें ठंडी होती दिखाई देती है. ये पोलार रीजन की तरफ मूव कर रहे हैं सो ऑर्गेनिज्म ये भी प्रीफर करेंगे. एक और स्टेटमेंट है उसमें फ्रॉम सदर्न टू नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स फॉर मराइन एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. तो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है. तो स्टेटमेंट कह रहा है कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल चले जाएंगे ऑर्गेनिज्म, मगर नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि जैसे हमने पिछली वाली डायग्राम में देखा कि बीच में इक्वेटर से वो दोनों तरफ जाना पसंद करेंगे क्योंकि दोनों तरफ हवा ठंडी हो जाएगी. तो ये सदर्न से नॉर्दर्न पोल तक नहीं जाएंगे. तो ये स्टेटमेंट जिसमें है वो ऑप्शन हमारा गलत रहेगा. फिर एक और स्टेटमेंट उसमें है फ्रॉम शैलोअर टू डीपर डेप्थ्स फॉर मराइन ऑर्गेनिज्म. तो ये शैलोअर ऊपर वाले जो लेवल होगी सी की वो होगी शैलोअर लेवल. तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट पड़ेगी और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखाई देगा. और कंपैरेटिवली नीचे जैसे हम डीपर सी में जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है. तो ऑफकोर्स ये भी कम होगा. सो ये भी ऑर्गेनिज्म प्रिफर करेंगे कि शैलो डेप्थ से लेके डीपर डेप्थ तक चले जा. तो जैसे कि हमने अभी समझ के लिया, पहले ऑप्शन में हमें तीनों चीज़ें मिल रही है फ्रॉम लोअर टू हायर एलिवेशन फॉर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एलिवेशन पर जाकर रहना पसंद करेंगे. फ्रॉम शैलोअर टू डीपर डेप्थ फॉर मराइन ऑर्गेनिज्म डीप सी में जाना पसंद करेंगे. और तीसरा फ्रॉम लोअर टू हायर लैटिट्यूड फॉर मराइन एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब इक्वेटर से फ्रॉम बोथ द साइड पोलार रीजन तक जाना पसंद करेंगे. तो इस वजह से देखो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा. ऑप्शन बी में इस यहाँ पर फ्रॉम सदर्न टू नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो हमने समझ के लिया वो है. ऑप्शन सी में देखो उन्होंने कहा है फ्रॉम डीपर टू शैलोअर डेप्थ, मतलब नीचे से ऊपर आएंगे मराइन ऑर्गेनिज्म. तो ऐसा क्यों करेंगे, ऊपर तो पानी गर्म होता रहेगा तो ऊपर तो नहीं आएंगे. और चौथे स्टेटमेंट में देखो कौन सा गलत है इसमें, हायर टू लोअर एलिवेशन. एलिवेशन में ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म जो माउंटेन पर रहते हैं वो नीचे क्यों आएंगे. तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. इसलिए देखो तीनों चारों स्टेटमेंट जो सही है वो ऑप्शन ए में है. तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा. क्वेश्चन बहुत लेंदी था मगर शांति से सोचने पर ईजी था. तो इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ. ऐसे ही और भी क्वेश्चन सॉल्व करके मैं लेकर आ रही हूँ. और आपको भी किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.